हेलो दोस्तों, एपी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो वीडियो देखने के बाद में जो आपके मन में जो रिव्यू हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके रिव्यू भी दीजिएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस यानी नजले के बारे में। आमतौर पर नजला होता क्या है दोस्तों? नजला जो होता है वो हमारे नाक से पानी आना, छींक आना या फिर गले से रेशा टपकना, खांसी बढ़ जाना कंटिन्यू, इन चीजों को हम नजला बोलते हैं दोस्तों। नजला आमतौर पर ये नहीं है कि एक टाइम होता है, नजला हर दिन होता है, दिन भी दिन होता है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि ये एलर्जिकल राइनाइटिस है। एलर्जी से आप समझ जाते हैं कि हमारी नाक, क्योंकि एलर्जी जो है दोस्तों नाक के द्वारा ही होती है, तो दोस्तों नाक से होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम एलर्जिकल राइनाइटिस बोलते हैं। जो प्रदूषण के कण हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं उससे हमें एलर्जिकल राइनाइटिस बनती है। ये दोस्तों आमतौर पर धूल मिट्टी में जाने से होती है, ठंडे मौसम में होती है, रात के टाइम में हो जाती है, सुबह के टाइम में, सर्दियों में हो जाती है या बदलते हुए मौसम में आमतौर पर ये बीमारी होती है दोस्तों। जब दोस्तों ये बीमारी हो जाती है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसको हम व्यायाम करते हैं या फिर हम प्राणायाम करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं, उससे हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। मात्र हम इस बीमारी को दबा सकते हैं लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन जब हम इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते हैं, इस बीमारी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बीमारी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के अंदर साइड इफेक्ट कर देती है, जिससे हमें नींद आना बंद हो जाती है, हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, शारीरिक नसें कमजोर हो जाती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं या बाल झड़ने लग जाते हैं दोस्तों। बाल झड़ने के साथ साथ हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, नाकों से पानी गिरने लग जाता है, कान में झुंझुनाहट होती है, आंखों में झुंझुनाहट होती है, नाक से झुंझुनाहट होती है, ये खुजली जैसी जो समस्याएं हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे होने लग जाती है, जिससे हमें एलर्जिकल राइनाइटिस की समस्या बोलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक चूर्ण, जिसे हम बोलते हैं एपी आयुर्वेदिक एलर्जिकल प्लस गो चूर्ण दोस्तों। ये चूर्ण काफी सालों का अनुभव हमने दिया है इस चूर्ण का। हमारे काफी पेशेंट हैं जो पूरे ऑल इन इंडिया के अंदर हैं, जो जम्मू से लेकर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कठुआ, ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, मणिपुर जैसी राज्यों में हमारे पेशेंट बने हैं, जो लोगों को 10 साल से, 10 साल से, 20 30 साल से जिन लोगों को बीमारी रही है। मैं बात करूं दोस्तों, ये दवा 10 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति के लिए लाभदायक है और ये आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों। जो काफी अनुभवी वैद्य इसको बनाते हैं, जो काफी ओल्ड एज के वैद्य हैं जिनकी काफी ज्यादा उम्र है, वह इस दवा को बनाते हैं और उनका काफी ज्यादा अनुभव है, जो कि जंगलों की जड़ी बूटियों को लेकर इस दवा को पीसकर अपने हाथों से बनाई जाती है, न कि मशीनरी में बनती है दोस्तों। ये बहुत ही एक्सपीरियंस दवा है और काफी अनुभव इस दवा का रहा है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जिन लोगों को एलर्जिकल नजला है, राइनाइटिस है, वो इस दवा को जरूर लें और अपना जो समस्या है उसको परमानेंटली ठीक करें दोस्तों। एलर्जी हम ये नहीं कहेंगे कि ओनली दवा से ही ठीक होगा, दवा के साथ में आपको परहेज जो है, डाइट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ ठंडी चीजें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। उन चीजों के लिए आपको मैं बता देता हूं कि हमारे नीचे दिए गए जो नंबर है या फिर हमारी दवा के ऊपर कस्टमर केयर का दिया हुआ नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं पूर्ण रूप से कि कैसे यह कोर्स होगा, किस तरह का कोर्स होगा और कैसे आपको ये मेडिसिन मिलेगी। ये आपको दो तरह से मिल सकती है दोस्तों, आप घर बैठे भी इस दवा को पा सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक आकर भी दवा ले सकते हैं दोस्तों। ये जो दवा है ये कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल होती है और प्रीपेड डिलीवरी भी अवेलेबल होती है। आप पेमेंट ऑनलाइन करके भी मेडिसिन पा सकते हैं और घर मेडिसिन मंगवा के पैसे दे सकते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कीजिए और इस दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं।